हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू शर्मा आज आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम आपको एटोमी कंपनी में नया रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पैन कार्ड के बिना ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये हमारी ऐसी कंपनी है जिसको इंडियन गवर्नमेंट के पैन कार्ड के थ्रू ही ज्वाइनिंग होगी। ये फर्स्ट कंपनी है ऐसी, और आपको इसके साथ में अपना पासपोर्ट, अपना वोटर आईडी और इसके अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस और अपना आधार कार्ड के थ्रू आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अपनी जो वेबसाइट है इसको ओपन करने के लिए आप केवल गूगल क्रोम का ब्राउज़र का यूज कीजिए, ठीक है। और अब आपके सामने globalatomy.com की जो वेबसाइट दिखाई देगी, यह अपने इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में 31 दिसंबर 2019 यानी नए साल पे ये वेबसाइट लॉन्च की गई थी। पहले इसका जो इंटरफेस था वो अलग था, अब कुछ बदल के कंपनी ने अपडेट किया है। तो इसमें आपको एटोमी कंपनी से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल सकती है, ठीक है। इसमें आप बिजनेस से मॉडल देख सकते हो, प्रोफाइल चेक कर सकते हो, मिस्टर हैनगिल पार्क के बारे में जान सकते हो, कोरिया में इनका रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सभी इस पर मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कंपनी की जो वेबसाइट है वो है atomy.kr। आपको याद रखना है कि हमेशा .kr पे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। कंपनी की बहुत सारी वेबसाइट है लेकिन आपको atomy.kr पे ही अपना रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि इंडिया के लिए यहीं पे ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपके सामने जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इस इंटरफेस में आपके सामने ऊपर एक ट्रांसलेटिंग लिखा हुआ रहा है। कुछ लोगों के लिए इसमें ऑप्शन आएंगे, कुछ लोगों के लिए ऑप्शन ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे, क्योंकि जिन्होंने पहले से इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी है उनको इंटरफेस इंग्लिश में ही दिखाई देगा। आपके सामने शॉपिंग मॉल दिखाई दे रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं माई ऑफिस। तो आपका जितना भी काम होगा, पीवी पॉइंट से रिलेटेड है, आपकी टीम है, जो भी आपको देखना है वो सब माई ऑफिस में आपको। तो दोस्तों, अपने पार्टनर का नया आईडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले ज्वाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करते हो, आपके सामने जो नया इंटरफेस ओपन होगा उसमें आपको लॉगिन के लिए पूछा जाएगा, जिसमें आपको अपना जो भी आप, जैसे कि आप खुद स्पॉन्सर हो तो आप अपने स्पॉन्सर आईडी से आप इसको लॉगिन करना है। इसके बाद में नीचे की साइड में रिमेंबर माई आईडी निक नेम, फाइंड माई आईडी, ये सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अपने को बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि यह सुविधा हमारे लिए नहीं है। और अगर आपके साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने अप्लाइन से कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो आप कंपनी के जो कांटेक्ट नंबर है उनसे कांटेक्ट करके आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। और जो आप मेरे सामने इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इसमें वेलकम टू एटोमी लिखा हुआ है। ये हमारे लिए एक ऐसा रूम है जिसमें हम अपने पार्टनर का आईडी लगाएंगे। तो हमारे सामने तीन ऑप्शन आ रहे हैं, कोरियन मेंबरशिप, सेकंड नंबर पे जॉइनिंग फॉरेन रेजिडेंस, और थर्ड नंबर पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉरेन लिविंग अबाउट। तो हमें जो अपना पार्टनर का रजिस्ट्रेशन करना है वो फॉरेन लिविंग अबाउट थर्ड नंबर पे करना है। तो यहाँ पे आप ज्वाइन पे क्लिक कीजिए, आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जिससे पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएगी। वो टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद में अगर आप एग्री हैं तो इसे एग्री करके क्लिक कीजिए। अब आपके सामने बारी बारी से छह ऑप्शन आएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने देश की नागरिकता के लिए पूछा जाएगा आप किस देश से हो, तो हमें इंडिया क्लिक करना है, और वहाँ पे ऑप्शन में एक ही होगा। सेकंड में मेल फीमेल है तो वो आप क्लिक कीजिए अपने आईडी के थ्रू, और यहाँ पे अपने को चार ऑप्शन मिले जाते हैं, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है। तो चारों में से जिसको भी आप सेलेक्ट करते हो उसी के कार्ड पर जो नंबर लिखे हुए होते हैं तो वो आप यहाँ पर एंटर करते हैं। और ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो फ्रंट और बैक साइड को जो फोटो अपलोड करते हो उसकी साइज बिल्कुल कम होनी चाहिए, क्रॉप किया हुआ होना चाहिए, और एकदम साफ और क्लियर होना चाहिए कलर वाइज फ़ोटो, ठीक है। तो हमने पहले से इसे बना रखा है। इसके नीचे कुछ चार पॉइंट लिखे हुए हैं, चारों पॉइंट को आप पढ़िए आराम से, अगर आपको ठीक लगे तो आप इस पर एग्री कीजिए। यहाँ पर आपको चारों पॉइंट को एग्री करने के बाद में आपके साथ
आपके सामने उम्र के लिए पूछा जाएगा, यानी ये एज। अब एज में आप ध्यान रखिए कि आपकी पार्टनर की जो एज है वो 20 ईयर से ऊपर होनी चाहिए या 20 ईयर होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी ग्लोबली काम कर रही है तो आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक कैलेंडर ओपन होगा जिसमें आप पहले डेट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में आप उसका जो बर्थ ईयर है वो सेलेक्ट कीजिए और डेट क्लिक कीजिए। एंटर करने के बाद में आपके पास एक ऑप्शन फिर आएगा, पासवर्ड। पासवर्ड में आप सिंबल जो होता है यानी एट द रेट है, डॉलर है या एरो का निशान है, जो भी आप सेलेक्ट करके उसके एक ऐसा पासवर्ड क्रिएट कीजिए जो आपको भविष्य में याद रहे और आपका पासवर्ड कभी लीक ना हो सके। और इसके बाद में इसको रिकन्फर्म के पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। और थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा गेस्ट पासवर्ड। गेस्ट पासवर्ड इसलिए है, भविष्य में मान लो आपसे ये पासवर्ड लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं या आपको याद नहीं रहता, उसके लिए। और इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा सेल नंबर। फिर तो सेल नंबर पे आपको 91 इंडिया की जो कोड है 91 लगा के आपको 10 डिजिट वाले नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं। चलिए हम नंबर डालते हैं। इसके बाद में जो ऑप्शन आ रहा है वो आता है जिप कोड, पोस्टल कोड, यानी अपने एरिया के पिन कोड नंबर। तो आपको यहाँ पे पिन कोड नंबर डालने 341509, ठीक है। इसके बाद में हमसे पूछा जाता है हमारा एड्रेस। एड्रेस ऐसा डालिए जिसमें भविष्य में आपके पास जब भी आप प्रोडक्ट मंगवाते हो तो प्रोडक्ट आपको आसानी से कम टाइम में आपको मिल सके। तो इसमें अब गली नंबर या फ्लैट नंबर या अपने एरिया में कोई ऐसी जगह हो जिसे लोकेशन को किसी भी पूछा जा सकता है तो हर कोई बंदा पहचान सके, ऐसी कोई लोकेशन डालिए या ऐसा कोई नाम डालिए, ऐसा कीवर्ड होना चाहिए जिसको आसानी से आपके पास प्रोडक्ट पहुंच सके। और यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका स्टेट जरूर डालना है आपको, क्योंकि इस वजह से कई बार क्या है कि जो डिलीवरी होती है उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है ईमेल। तो ईमेल अपने को वो डालना है जो हमारा रजिस्टर्ड हो, या रजिस्टर्ड कहने का मतलब ये नहीं हो कि कोई गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा होना चाहिए जिसे आप प्रोफेशनल के रूप में आप यूज करते हो। और यहाँ पे आपको पता है कि आपको केवल आगे के जो यूजर नेम है वही डालना है, एट द रेट जो पीछे का जो लिंक होता है वो ऑटोमेटिकली इसमें कंपनी ने पहले दे रखा है। इसके बाद में इस इंटरफेस का सबसे लास्ट टॉप जो फिलअप करने का जो ऑप्शन आता है वो होता है हमारा पैन कार्ड के नंबर। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड को अपलोड नहीं करना होता है, यहाँ पे आपको सिर्फ पैन कार्ड नंबर डालना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है जो मुझे अभी तक अच्छा लगा इस कंपनी के साथ में जुड़ने से, क्योंकि यह मुझे ऐसी कंपनी लग रही है जिसमें हमने को अपना जो नेम है वो अपना नहीं डालना पड़ता, यहाँ पे पैन कार्ड डालने के बाद में अपना नेम आ जाता है। तो जब भी यहाँ पे पैन कार्ड का री एंटर का ऑप्शन आता है या पैन कार्ड अनवेरीफाइड बताता है, कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज़ आप 10-15 मिनट का टाइम लेके आप इसको फिर से यूज करिए। इसके बाद में हम देख पा रहे हैं कि फैली अपना जो पैन कार्ड है वो वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पे वेरीफाइड जैसे होता है तो आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो दोस्तों कन्फर्म होने के बाद में एक बार आप फिर से अपनी जो डिटेल्स आपने डाली है वो प्लीज़ आप चेक कर लीजिए, कहीं से कुछ गलत ना हो। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कंपनी ने सिस्टम ही ऐसा बनाया कि आप गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो आपका पैन कार्ड वेरीफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो कन्फर्म करने के बाद में हमारे पास सेकेंड जो इंटरफेस ओपन होने जा रहा है, उस इंटरफेस में ओपन में आपको केवल और केवल जिसके डाउन में आप इस पार्टी को या अपने जो पार्टनर है उनके आईडी लगाना चाह रहे हो, उनका स्पॉन्सर आईडी डालना है। वो आप अपने किसी भी नोट डायरी में आप नोट करके रखिए। तो हमारे सामने जो इंटरफेस ओपन हो गया है, इंटरफेस अपने आप ही कोरियन लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अपने को अपने स्पॉन्सर आईडी डालना है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि स्पॉन्सर आईडी डालने के बाद में हम जैसे ही कन्फर्म दबाते हैं, कन्फर्म दबाने के बाद में जिस बंदे की हम स्पॉन्सर बना रहे हैं उस बंदे का नाम हमारे सामने आ जाता है। तो आपके सामने आ चुका है, और आपको यहाँ पे यह भी पता चल जाएगा कि इनका पहले से लेफ्ट कंप्लीट हो चुका है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली इनकी जो फर्स्ट आईडी है वो ऑटोमेटिकली एक साइड में जाएगी। तो कन्फर्म करने के बाद हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे एक सर्च सेंटर लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। इसके बाद में कंफर्म का बटन आप क्लिक कीजिए। कंफर्म करने के बाद में आपके सामने कुछ डिटेल्स आएगी जो अपने पार्टनर की आपने पहले डाली है, तो आपको यहाँ पे फिर से चेक कर लेना चाहिए कि कुछ वजह से कुछ आपने स्पेलिंग में कुछ गलत किया है, आपने डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलत किया है। वैसे तो हो नहीं सकता, बट आप फिर भी चेक कर लीजिए। और जैसे ही आप इस चेक करने के बाद में एक नीचे जो स्पॉन्सर आईडी दी जाती है वहाँ पे वो फिर से आप चेक कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक डिजिट गलत बढ़ने से वजह से वो बंदा आपका किसी और में जा सकता है। अब कंपनी 17+ कंट्री में काम कर रही है, तो हो सकता है वो कहीं पे भी ऐड हो सकता है। तो इसके बाद में कन्फर्म पर क्लिक कीजिए। कन्फर्म करने के बाद में आपके सामने लास्ट पेज ओपन होगा, जिसमें आपको लिखा जाएगा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एस, मेम्बरशिप इज कम्प्लीट। तो यहाँ पर आपके आईडी नंबर और आपका पासवर्ड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों, अपने आईडी नंबर और अपने पासवर्ड को प्लीज़ किसी जगह पे आप अपने डायरी में या कहीं पे भी आप नोट कर लीजिए, जिसे किसी अदर मेंबर को पता भी ना चले और आपको याद रहे। क्योंकि जब तक इंडियन वेबसाइट लॉन्च नहीं होती तब तक आपको कुछ भी अगर ज़रूरत पड़े तो अपना आईडी पासवर्ड तो आपको ज़रूरी चाहिए। और इसके बाद में आपको लेके चलता हूँ मैं माई ऑफिस पे। माई ऑफिस में आप अपना पीवी देख सकते हैं, आपके आज के पीवी देख सकते हैं, या अपने वीकली जो पीवी बन रहे हैं वो देख सकते हैं। लेफ्ट और राइट में आपका जो नंबर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी पोस्ट जो आपकी रैंक होती है वो भी यहाँ पे टाइम टाइम पे जैसे आप काम करते हैं वो आपका यहाँ पे चेंज होता रहता है। और इसके अलावा यहाँ पे आप माई सेल्स हिस्ट्री है वहाँ पे आप ये जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सेमिनार है, ट्रेनिंग है, नोटिस है, इसके अलावा जो भी जो डिटेल्स है कंपनी की तरफ से वो आपके साथ में यहाँ शेयर की जाती है। और इससे पूरे लाइन के अंदर आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जहाँ पे तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है टीम का, इस पर क्लिक करने के बाद में ये भी आपको कोरियन लैंग्वेज में ही दिखाई देगा, बट आपका ऑटोमेटिकली ब्राउज़र इसको चेंज कर देगा। तो यह इंटरफेस ओपन करने के बाद में हमारे सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। इसके बाद में जो जिस पे ये हाथ का जो निशान आ रहा है आप इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद में हमें जो अपने टीम की डिटेल्स है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, को कपल टीम है या फिर कुछ जो इनकी सेल्स है, इनके पीवी हैं, वो सब देख सकते हैं। इसके बाद में इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में हमारे टीम का जो स्ट्रक्चर है, हमारे डाउन में कितनी टीम है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस साल सभी इंपीरियल मास्टर बन के निकले हमारे